ये कश्मीर है, भारत के जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो स्वर्ग से कम नहीं है। कल कल गिरते झरने और हरी भरी वादियां, हृदय को आनंदित कर देने वाले खूबसूरत पहाड़, रंग बिरंगे पुष्प यानी प्रकृति की अद्भुत छटा किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। परंतु इसके विपरीत यहाँ के लोगों की जिंदगी उतनी ही बेबसी भरी है। साल 1948 से लेकर पाकिस्तान इसमें इतने दाग लगा चुका है कि अब यहाँ के लोगों का जीवन फीका पड़ गया है। पाकिस्तान ने इस इलाके को बदरंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि आज मोदी सरकार पीओके को लेकर आक्रामक नीति तैयार कर चुकी है, जिससे यहाँ के वासिंदों में भारत में विलय होने की एक उम्मीद जगी है। उन्हें लगता है कि भारत इस नार के जिंदगी से उन्हें जरूर छुटकारा दिलाएगा। हालात इतने कठिन हो चुके हैं कि लोग एक एक दाने को मोहताज है, रोजगार खत्म है, 40 लाख की आबादी अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही है। किसी सरकारी बंदे ने कोई रब्ता नहीं किया। गवर्नमेंट कहती है घरों में बैठ जाएं, घरों में कैसे बैठे फाकिया, जिनके 6-6, 7-7 बच्चे हैं वो घरों में क्या करेंगे। अभी ये गरीब लोग हैं, इधर अमीर लोग जो शॉपिंग करते हैं उनके पीछे घूमते हैं कि ये मुफ्त में दे रहे हैं, लेकिन जब उनके पास जाते हैं वो कहते हैं ये तो हम अपना खरीद रहे हैं, आप गवर्नमेंट से लें। गवर्नमेंट का कोई बंदा भी अभी तक जिनके कोई तलकात हैं या कोई ऐसी चीज़ है उनको तो मिलता है, ये जो गरीब लोग हैं दिहाड़ीदार इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। कुछ नहीं, किराए पर रहते हैं, 5,000 महीने का किराया देते हैं, घर में आटा भी नहीं, कुछ भी नहीं, 15 दिन हो गए। मजदूरी कोरोना से कोई नहीं मरेगा, लेकिन भूख से लाजमी मरेंगे। 4 बच्चे हैं खाने वाले, सुबह आते हैं शाम को घर चले जाते हैं, कुछ भी नहीं। यूटिलिटी स्टोर पर अगर कोई चीज़ आती है वो पैसे वाले लोग, ज़खीरा अंदोज लोग वो ज़खीरा कर लेते हैं, गरीब आदमी को कुछ मिलता भी नहीं है। एक पहली बात तो यह है उसके पास पैसे नहीं, दूसरी बात अगर हैं भी तो यूटिलिटी स्टोर पर आएँ तो उसको कुछ भी नहीं मिलता, कहते हैं आटा नहीं है, चीनी नहीं है, ऑयल नहीं है, तो गरीब आदमी कहाँ जाए। सड़क टूटकर खड्डों में बदल गई है, रही सही कसर कोरोना वायरस महामारी ने पूरी कर डाली है। स्थानीय सरकार ने यहाँ लॉकडाउन नहीं लगाया है, जिसकी वजह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। लोग यही समझते हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान जानबूझकर उन्हें बीमारी की दलदल में धकेल रहे हैं। तो नहीं, इस वक्त 106 चाइनीज टोटल हैं जो इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त प्रेजेंटली काम कर रहे हैं, जिनमें से 3 जो थे वो चाइना गए हुए थे, वो चाइना से वापस आए हैं। हमने इन सारों को 106 103 प्लस ये 3 इन सबको हमने टेस्ट कर लिया है। शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि साल 2005 में चिकोटी में आए भूकंप में तबाह हुए स्कूल की एक इमारत अब तक नहीं बन पाई है। ऐसे यहाँ बहुत से स्कूल हैं जहाँ बच्चे इन टूटी फूटी इमारतों में पढ़ने को मजबूर हैं। आज मैं 9th हुई हूँ, अभी तक हमारे स्कूल की बिल्डिंग नहीं बन सकी, जिसकी वजह से यहाँ सर्दी और गर्मियों में तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल है। जब यहाँ पे गर्मी होती है तो हम बहुत तंग होते हैं, और जब बारिश होती है तो हमें छुट्टी करनी पड़ती है, इसलिए हमारी तालीम ज़ाया होती है। महंगाई का आलम यह है कि गरीब आदमी के लिए 2 वक्त का राशन खरीद पाना मुश्किल हो चुका है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, मगर जिस पैसे से उसे खरीदते हैं उसे पाने के लिए रोजगार बिल्कुल नहीं है। गरीब आदमी के लिए कोई यहाँ पे गुजारा नहीं है। कल टमाटर 200 थे, आज टमाटर 300 है, कल आलू 180 थे, आज आलू 350 है, क्या करोगे आप? एक दिन के अंदर कोई तेजी आती है या एक दिन के अंदर कोई किराया 1 रुपया बढ़ता है? नहीं बढ़ता, हर चीज़ महंगी हो गई है, और कोई रेट लिस्ट नहीं है किसी के पास, ना हमें दिखाते हैं कोई, भाई लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो चले जाओ। पर मामला यहाँ तक नहीं है, भारत के इस हिस्से के साथ पाकिस्तान ने पूरा भेदभाव बढ़ता है। पाक के हुक्मरानों को अंदाजा है कि भारत किसी न किसी दिन इस इलाके को वापिस हासिल कर लेगा, इसलिए सरकारी नौकरियों में कार्यरत लोगों के साथ और भी बुरा बर्ताव हो रहा है। पेंशन के यहाँ पे बहुत बड़े मसाइल हैं, पेंशन जिनको नहीं मिलती, इनकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, इन लोगों की कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी के आलात इनके पास नहीं है, इनको ऐसे ही आग में झोंक दिया जाता है। इनमें से कोई अल्लाह ना करे किसी की जान जाया हो जाए तो फिर उसके बाद इस तरह की कोई शय यहाँ पे इसका ना कोई तसव्वुर है ना कोई वजूद है, और कोई बात करे तो उस पर हंसा जाता है। फिर इनकी गाड़ियों की जो हालत है, मुझे तो लगता है डोगरे के जमाने की गाड़ी है, ठीक है। परंतु इसके साथ यहाँ एक चीज जरूर फल फूल रही है, वह है पाकिस्तान के मदरसा छाप लोगों का गधिया नृत्य, जहाँ पिछवाड़ा उठाओ अभियान के किस्से बताकर लोगों को मजहब के नाम पर बरगलाया जाता है। इसकी कमान इलाके के ही मलंग बाबाओं के हाथ में है। भाई मुसलमानों, आप इतवा कर लो, एतात कर लो, उम्मत मुसलमान जुदा जुदा हो गए हो, 12 जमात 72 फिरके
आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ अनुमति, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।